भाजपा की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जागतिक महिला दिन के अवसर पर कोरोना योद्धाओं के सत्कार का कार्यक्रम भाजपा जनसंपर्क कार्यालय में लिया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर, महापौर राखी कंचलावार, पूर्व महापौर नगर सेविका अंजलिताई घोटेकर, महिला व बाल कल्याण सभापति मनपा की चंद्रकलाताई स्वयं, जोन सभापति संगीता खांडेकर, प्राध्यापिका ज्योतिताई भूते, नीलम चौधरी के साथ अन्य नगर सेविका के साथ भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता विजय राउत एवं अन्य मान्यवर मौजूद थे। सर्वप्रथम मानव द्वारा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का पूजन कर उन्हें अभिवादन किया गया। तत्पश्चात मानवों के हाथों वहां पर उपस्थित कोरोना योद्धाओं का सत्कार किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान अपनी सेवा देने वाले महिला चिकित्सक, पुलिस विभाग में कार्यरत महिलाएं, साथ ही आशा वर्कर के साथ सफाई कर्मी, सम्मानित महिलाओं का समावेश था और सभी महिलाओं को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में इस अवसर पर मानवों के हाथों सम्मानित किया गया तथा उन्हें भेंट वस्तु भी दी गई। वहीं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने वहां पर उपस्थित कोरोना योद्धाओं के साथ अन्य लोगों को मार्गदर्शन किया। जवाहरलाल कि आपला सगळ्यांचा गौरव करने की मला पुन्हा संधी मिळाली, कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काळामध्ये त्यांनी सेवा दिली, आपला जीव धोक्यात घालून आणि विशेष म्हणजे स्वतःची परवा नाही, कुटुंबाबद्दल चिंता असताना नाही, सामाजिक जिम्मेदारी आणि संस्कारी गिरीची जिम्मेदारी जबाबदारी नगरपालिका महानगरपालिका किंवा आरोग्य क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या राजकीय स्तरावर आणि खाजगी मध्ये पोलीस आपण जिम्मेदारी पार पाडतो आणि अशा महिलांचा या ठिकाणी सन्मान करावा त्याचं कारण असं ज्या आजाराला जग घाबरलो अशा क्षणी प्रधानमंत्री महोदयांनी 22 मार्च रोजी देशामध्ये ब्लॅकआउट, 24 मार्च रोजी लॉकडाऊन, त्याला वर्ष 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 होत आले आणि एक वर्षपर्यंत आपण सगळेजण मिळून या आजाराचे संघर्ष करीत असताना अनेक या वर्गापर्यंत पोलीस असेल, आशा वर्कर असेल, नर्सिंग स्टाफ असतील, डॉक्टर्स असतील, अनेकांनी जीव गमावला आपल्या वर्गातून काही लोकांनी,